तो दोस्तों आज हम आए इंडिया के ई मोबिलिटी शो में, जो कि नोएडा के अंदर हो रहा है 23 एंड 24 मार्च को। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जितना भी ये सारा अंदर इसके अंदर हॉल बने पड़े हैं, अपने सबने अपना अपना स्टॉल्स लगाया हुआ है, जो कि अपनी कार्स को एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे शोकेस करेंगे। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। आप स्टे ट्यून्ड, आपने पूरी वीडियो देखना, एंजॉय करना एंड कमेंट्स डाउन करना कि क्या आपको पसंद आया क्या नहीं। ओके चलो चलते हैं। तो दोस्तों हमें अपना पास मिल चुका है, जो कि इस तरीके से है, विजिटर ऑफ स्टिकी व्हील्स एंड फाउंडर ऑफ स्टिकी व्हील्स। तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे वेरियस ब्रांड्स हैं जो कि अपने आइटम्स को पब्लिश करते हैं, एंड अब जाके हम देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे मिलता है। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है क्रिस्टल की तरफ से लाइटनिंग वगैरह का यहाँ पे इनका शोकेस करते हैं सब। यहाँ पे इनका लाइटनिंग का है, यहाँ पे आपकी स्कूटी सारी डिसेंबल करी हुई है, आप लाइट्स देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पे लाइटनिंग आपको ईवी के लिए, आपको एलईडी लाइटनिंग यहाँ पर आपको सारी दिख दिया। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं ब्लू मोट ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आने वाली एक ईवी है, विच इज बेसिकली स्टोरेज आइटम। आप इसमें कुछ भी आइटम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको कूल्ड भी आइटम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों ये है MTA EV। इनका बेसिकली वर्क ट्रांसमिशन्स पे होता है, ये ट्रांसमिशन्स पे वर्क करते हैं। लाइक अभी तक इंडिया में जो भी EVs आती थी वो सिंगल स्पीड या वन सेटअप स्पीड हुआ करती थी, तो इन्होंने यहाँ पे ड्यूल स्पीड्स या ड्यूल गियर कह सकते हैं इसको, इस तरीके से कोई टेक्नोलॉजी निकाली है जो कि फ्यूल इफ़िशेंट या इलेक्ट्रिक एफिशेंट भी होगी, एंड टॉर्क एंड पावर पिकअप्स में एक्स्ट्रा मिलेगा नॉर्मल EVs के मुकाबले। तो इन्होंने अभी यहाँ पे ये OEMs पे वर्क करते हैं, डायरेक्ट किसी भी कंपनी से स्कूटर उठाते हैं एंड देर उसमें मोड्स करते हैं लाइक दिस, जैसे कि आपको यहाँ पे व्हील दिखा हुआ है। ये BLDC मोटर को कुछ इस तरीके से इन्होंने सेटअप किया है, एंड यहाँ पे दो EVs खड़ी हैं, वन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन हु कैन नॉट वॉक स्टैंडर्डली एंड वन फॉर द नॉर्मल पैसेंजर नॉर्मल व्हीकल। आप उसको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोटर भी है जो इन्होंने ड्यूल स्पीड में जो जनरेट करी है फॉर दे EVs के लिए। तो अभी तक मार्केट में जो भी आती थी, जैसे मैंने बताया आपको, वो सिंगल स्पीड आती थी, एंड ये भी ड्यूल स्पीड में आ चुकी हैं। ये अभी ट्रेनिंग टेस्टिंग पर्पस पे हैं, उसके बाद ये रन होंगी इंडिया में। तो इस तरीके से यहाँ पे गैलरी है, अभी पीछे फूड कोर्ट वगैरह हम छोड़ के आए हैं। तो यहाँ पे पता नहीं, अब आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है अपने को। Let's see. तो गाइस ये ई मोबिलिटी शो था, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों हमें लगा कि यहाँ पे कुछ अच्छी जगह होगी, कुछ होगा, लेकिन हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे सारे वॉशरूम बने पड़े हैं, तो हमारा तो पोपट हो गया। तो अब हम वापस जा रहे हैं। अब वापस जाके देखते हैं कुछ और मिलता है वहाँ पे। गाइस काफ़ी सारी EVs हैं जो कि मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। तो गाइस ये कॉनवर्स टेक्नोलॉजीज, बेसिकली इनका वर्क जो है ये BLDC मोटर्स, बैटरी ऑपरेटेड मोटर्स में इनकी डील होती है, एंड ये यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट्स हैं इन सब पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ तक इनके प्रोजेक्ट्स रखे हैं। तो ओवरव्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से ओवरव्यू दिखता है इनका, एंड अब चलते हैं आगे। आगे चले, तो यहाँ पे एराइज कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे सारा का सारा कुछ EVs का कॉन्सेप्ट है, जैसा चाहो वैसा देख लो। यहाँ पे ड्रिल मशीन्स हैं, अपना हार्डवेयर सिस्टम है जो कि एटलस
कोपैको ईवी इनोवेशन पार्टनर्स हैं। एंड यहाँ पे है चेसी, चेसी फ्रेम या चेसी वर्क या फ्रेमवर्क होता है, जो कि ईवी चेसी इंडिया की तरफ से है। एंड ये टेम्पो ट्रॉलीज और टेम्पो चेसीज वगैरह ये बिल्ड करते हैं। एंड ई लोडर्स वगैरह, ई लैडर्स इनके यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये स्टील है प्रॉपर। ओके, तो अब हम आ रहे हैं स्टॉल जो कि रीमार्क का है। ये डिसेबल पर्सन्स के लिए स्कूटी इन्होंने डेवलप बनाई है। एंड यहीं पे आपकी एक और स्कूटी खड़ी है जिसका इलेक्ट्रिवा गोल्ड, ओके, विच इज़ सिमिलर टू एक्टिवा, इलेक्ट्रिवा गोल्ड, ओके। एंड एक और स्कूटर यहाँ पे इनका खड़ा है जो कि 90s 80s का लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, बेसिकली ईवी तो है ही। एंड यहीं पर इनकी जो मैंने पहले दिखाया आपको रीमार्क वन बाइक खड़ी है। एंड यहीं पे इनका स्टार स्कूटर एंड रीमार्क वन, रीमार्क टू, रीमार्क वाइट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर, ओके, यहीं पे आपको रीमार्क होप। एंड फॉर द डिलीवरी पर्सन्स और जिनको अपना लोडिंग का काम करना है, उनके लिए ये बनाया है रीमार्क ने हाई एनर्जी। एंड यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है इस तरीके से। एंड ड्राइविंग मोड, तीन ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, रिवर्स मोड मिल जाता है आपको। एंड हॉर्न भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये रिमार्क टू, एंड ये पार्किंग मोड है। एंड ये हैजार्ड स्विचेस हैं, ओके। एंड थ्री मोड्स आपको यहाँ पे इसके मिल जाते हैं। मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ से स्विच है एंड आप डायरेक्ट मोड चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल रीमार्क का स्टॉल कुछ इस तरीके से दिखता है। यहीं पे आपको रीमार्क के दो स्कूटर्स और खड़े हैं, रीमार्क हिप हॉप प्रो एंड रीमार्क हिप हॉप सर के बगल में खड़ा है। एंड ये रीमार्क हिप हॉप है एंड ये रीमार्क हिप हॉप प्रो वेरिएंट है। एंड यहीं पे आपका रीमार्क के ऑटो रिक्शाज भी यहाँ पे इन्होंने रेडी कराया है ऑटो एक्सपो के लिए। तो गाइज ये तो इनके ऑटो रिक्शाज काफ़ी मार्केट में फैले हुए हैं, तो इस तरीके से ये ऑटो एक्सपो है। अब हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। एंड यहाँ पे वायर एंड स्विचेस वगैरह। एंड यहाँ पे चेसी एंड BLDC मोटर्स का विराया मोबिलिटी 5.0 एंड इट इज़ राइनो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। स्कूटर के स्पेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 ईयर वारंटी एंड 157 ईयर रोड, 730 NM। एंड मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जूम कर चेक कर सकते हैं। फ्रंट टायर का साइज़ कुछ ज़्यादा ही हैवी है। तो अभी गाइस ये इंडिया में तो लॉन्च होगा नहीं, एज सच अभी तो लॉन्च होगा नहीं। एंड यहाँ पे स्वैपेबल बैटरीज का कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रेडी किया हुआ है, ओके। तो जो मैंने दिखाया था आपको चेसिस यहाँ पे रेडी हो रही हैं एंड हार्डवेयर मैकेनिज्म यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड चेसिस देखें, बाइक स्टैंड, सेंटर चेसी हैंडल्स बार्स एंड एक्सल वगैरह आपको यहाँ पे रेडी मिल जाता है। एंड ओवरऑल कुछ इस तरीके से दिखता है ऑटो एक्सपो। तो भाई ये छोटा सा ऑटो एक्सपो था, तो आपको कैसा लगा? एंड यहाँ से हम वापस मुड़ जाएंगे। एंड यहाँ वेक्टर ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है।
यहाँ वेक्टर का जो स्टॉल था यहीं पे इन्होंने एक अपना मोटर का सेटअप किया हुआ है, एंड यहीं पे आप इसका टॉर्क जैसे देख रहे हैं टॉर्क के स्विचेज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और स्पीड आप यहाँ से मोटर की कनेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मदरबोर्ड्स का और सेमीकंडक्टर्स का कुछ हिसाब किताब है। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बाहर आ गए हैं ऑटो एक्सपो के। तो अब बाहर आके हमने देखा एक नेक्सॉन खड़ी है, तो ज़रा नेक्सॉन को भी कैप्चर कर लेते अपने फ्रेम में। एंड ओके, ये जो नेक्सॉन है ये मार्कोस रेवोल्यूशन के थ्रू बनाई गई है एंड बेसिकली ईवी है, नंबर प्लेट भी है एंड ओवरऑल अच्छा लॉक्ड है अभी तो। ओके, मार्कोस अपना यहाँ पे अपना ब्रांड शो कर रहा है जो कि मार्कोस के द्वारा बनाया गया है। ओके, एंड वहाँ पे टेस्ट राइड्स चल रही हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हम भी देखते हैं एक बार टेस्ट राइड लेने के लिए कोशिश करते हैं। एंड वहाँ पे आपको इस तरीके से आपको कुछ होल ओवरऑल मिलता है मैं ऑटो एक्सपो का। तो दोस्तों यही था ऑटो एक्सपो 2023 मार्च को जो नोएडा में लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे आए थे। तो आपको कैसे किस तरीके से लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जितना जल्दी हो सके एंड थैंक यू सो मच। और शॉर्ट्स तो आते रहेंगे धीरे धीरे। ओके बाय।